नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित से रेप में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस जयपुर पहुंची। 15 अधिकारियों की टीम रविवार को महेश जोशी के जयपुर स्थित दो घरों पर दबिश दी। लेकिन उनका बेटा वहां नहीं मिला। रोहित पर 23 वर्षीय महिला से रेप के आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि पिछले साल 8 जनवरी से 17 अप्रैल के बीच मंत्री के बेटे ने कई बार रेप किया। एक बार फिर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच कोल्ड वार शुरू हो गया। शुरुआत कांग्रेस में युवाओं को भूमिका देने और पदों पर बैठे नेताओं के पार्टी के त्याग पत्र के सुझावों से हुई। चिंतन शिविर के बीच गहलोत का हावभाव चर्चा का विषय बन गया। पायलट ने पहले ही चिंतन शिविर के मीडिया सेंटर के बाहर बयान दिया कि युवाओं को बड़ी भूमिका दी जाएगी। हाईकमान अब इंसाफ करेगा। इन बयानों के दो घंटे बाद सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया सेंटर में आकर विक्ट्री साइन दिखाया। उन्होंने इशारों ही इशारों में साफ कर दिया कि फिलहाल वह टेंशन फ्री है। सीकर जिले के रिंगस नगर पालिका द्वारा नदी क्षेत्र में बनाए गए डंपिंग यार्ड के बाहर कचरा व मृत मवेशी डालने से आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध फैली हुई है, जिससे लोगों का रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया। मृत मवेशियों की दुर्गंध व कचरे से मुंह मारते आवारा पशु जिन्हें राह चलने वाले लोगों को हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। वहीं डंपिंग यार्ड के बाहर ही सफाई ठेकेदारों द्वारा सीवर टैंकर भी खाली किए जा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत को सूचना मिलने पर स्वास्थ्य निरीक्षक मुकेश कुमावत के नाम पत्र जारी कर डंपिंग यार्ड के बाहर मृत मवेशी व कचरा डालने वाले लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश दिए। नवा सिटी में शहर के वरिष्ठ सिविल न्यायालय में शनिवार को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष की ओर से न्यायालय में विचाराधीन सबसे पुराने प्रकरण में राजीनामा करवाकर मामलों का निस्तारण किया। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता सैनी ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला व विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। विद्युत विभाग की 40 प्री लिटिगेशन का निस्तारण हुआ, जिसमें 5,42,336 रुपए की वसूली हुई। कुल 7,44,3600 रुपए की वसूली हुई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के बाहर अचानक बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की। गाजी समाज, स्वर्णकार समाज और पुष्करणा ब्राह्मण समाज के युवाओं को लक्ष्य बनाकर परेशान किया जा रहा है। जोधपुर की अपनायत की परंपरा रही और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से 12वीं तत्वों के सहयोग संपन्न और उकसावे के चलते वातावरण में विष डाला जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि पहले उनके मोहल्ले में हमला हुआ, उसके बाद आत्मरक्षा के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब पुलिस आत्मरक्षा करने वालों को पकड़ रही है। सूरत में करंट लगने से टेक्नीशियन बरकत अली की मौत के बाद विद्युत सहायक अभियंता के धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से कई दौर की वार्ता के बाद भी आपसी सहमति नहीं बनी। विरोध प्रदर्शन में आईएन राजेश बुरिया को निलंबित करने की मांग। विद्युत विभाग कार्यालय में चल रही अनिश्चितकालीन धरना में विद्युत विभाग कार्यालय से उपखंड कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला गया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में प्राचीन ऐतिहासिक हनुमान जी के मंदिर पर 6 तारीख से प्रारंभ हुई भागवत कथा, समापन 13 तारीख को भंडारे के साथ हुआ।
इसमें भारी संख्या में भक्तजनों में पधारे और भागवत कथा का रसपान किया, जिसका 13 तारीख को भंडारे के साथ समापन हुआ। हम आपको बता दें कि मंदिर पर आने के लिए लोगों को बहुत सी परेशानी होती है। यहाँ तक आने के लिए भक्तजनों को ऊबड़ खाबड़ रस्तों से होकर आना पड़ता है और बरसात में उस रास्ते पर पानी भर जाने से लोगों को मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे कारण यहाँ तक भक्तगण पहुंच नहीं पाते। चंदेरी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश के निर्देश में जिला व सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सविता दुबे के मार्गदर्शन में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील चंदेरी के तत्वाधान में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने अपने केस निराकरण करने की उत्सुकता दिखाई और केस का निराकरण करवाया, साथ ही बैंक व नगरपालिका के प्रकरणों का भी निराकरण किया। जिसमें दो प्रकरणों का निराकरण हुआ, न्यायिक मजिस्ट्रेट रितिका मिश्रा पाठक के न्यायालय में सिविल क्रिमिनल के कुल 244 प्रकरण रखे गए। बाणसागर देवलोत से जहां ब्योरी विधानसभा के पूर्व विधायक रामपाल सिंह ने अपने निजी कार्यक्रम के भ्रमण के दौरान अपने प्रिय चंद्र प्रताप शुक्ला के निमंत्रण के कार्यक्रम उपस्थित हुए। वह हमेशा लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर बीजेपी पर हमला बोला। गैस सिलेंडर के दाम आसमान को छू रहे हैं, बीजेपी सरकार सो रही है, जनता का गुजारा कैसे होगा, करीब दो वक्त की रोटी कैसे खा पाएंगे, इन सभी समस्याओं से पूर्व विधायक रामपाल सिंह जी चिंतित नजर आए। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे दूसरे दिन पूरा हो गया, 100% सर्वे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, वीडियोग्राफी की चिप कोर्ट कमिश्नर को सौंपी जाएगी। बावन लोगों की टीम ने सुबह 8 बजे से 11:40 तक सर्वे किया। बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी नकाशीदार गुबन की ड्रोन से वीडियोग्राफी की गई। दूसरे दिन छत 4 कमरों बार की दीवार बरामदे तालाब के आसपास आदि की वीडियोग्राफी का सर्वे हुआ। उधर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस फोर्स अलर्ट रही। सर्वे के पहले दिन परिसर की बार 100 लेयर की सिक्योरिटी थी, जिसमें 12 लेयर क्लियर कर दिया गया। इन बातों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं छत पर के लिए सीढ़ियां मंगाई गई थी। सभी वादी प्रतिवादी पक्ष और एडवोकेट के साथ एडवोकेट कमिश्नर सहित 52 लोगों की टीम की मौजूदगी में सर्वे चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।